Yes. So we will discuss today division of fraction. Okay. Division of fraction means मतलब फ्रैक्शन के साथ हम क्या करेंगे डिवीजन करेंगे. एक वर्ड इसके अंदर टर्म यूज होगी रेसिप्रोकल. ओके क्या यूज में लेंगे रेसिप्रोकल. ओके ये कब यूज में लिया जाता है जब हम डिवीजन कर रहे होते हैं. ठीक है जब हम किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे उसी समय हम रेसिप्रोकल यूज में लेंगे डिवीजन के टाइम पर लेंगे. ठीक है तो रेसिप्रोकल का मतलब है दिया हुआ नंबर या तो कोई होल नंबर हो या फ्रैक्शन नंबर हो उनको अपोजिट कर देना इट इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल. लाइक दैट गिवन हियर 9 को आपको अपोजिट करना है. अब आप कहोगे 9 तो होल नंबर है. मैंने आपको बताया था यदि कोई होल नंबर आपको दे रखा हो इसके नीचे आप क्या मान लेंगे 1 क्या मान लेंगे 1 और अगर इसका आप अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा 1 डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में और 9 न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा. ये क्या कहलाएगा हमारा रेसिप्रोकल. ऐसे ही यदि ये तो होल नंबर की संख्या अगर कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी 5/7 इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा 7/5. आप देख रहे हो कि कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है इसको हम अपोजिट कर रहे हैं. 8/3 इसका रेसिप्रोकल 3/8. ठीक है इसी तरीके से हम रेसिप्रोकल करेंगे. तब हम देख लेते हैं जहां पे भी डिवीजन आएगा यूज में वहीं पर हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल यूज में. तो कुछ नंबर है जिनके हम डिवाइड करेंगे जैसे 1/3/2 2 इज अ होल नंबर एंड 1/3 इज अ फ्रैक्शन नंबर. ठीक है सो 1/3 तो क्या हो जाएगा एज इट इज एज y डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा 2. अब 2 एज इट इज दे रखा है तो होल नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ 2 के नीचे कोई वैल्यू नहीं दे रखी तो हम 1 मान लेंगे तो इज इक्वल टू 1/2. ठीक है तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे 1/3 डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में और जो रेसिप्रोकल में किया था 1/2 है तो 1/2 को आप इधर लिखेंगे तो क्या जाएगा 1 × 1 एंड 3 × 2 = 6. अब ये आंसर होगा आपका यदि कोई वैल्यू कट हो रही है तो आप कर सकते काट सकते हैं अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई करा करके आंसर लिखेंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट इज 1/3/1/4. ठीक है तो डिवाइड करना है 1/3 बाय जो है डिवाइड में आ जाएगा 1/4 का हम रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 4/1. मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं है तो 1/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 एज इट इज. क्यों क्योंकि नीचे का 1 आप हटा दोगे तो ये केवल 4 होल नंबर बचेगा. अब ऊपर नीचे कहीं पे भी नहीं कट रहा तो 4 बन जा 4 और 3 एज इट इज. क्लियर है सबको कि रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है. ठीक है और डिवाइड भी कैसे किया जाता है तो डिवाइड जो हम करेंगे उसके अंदर मल्टीप्लाई भी होगा. ठीक है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है. ठीक है तो हम जो डिवाइड करेंगे उसके अंदर रेसिप्रोकल होगा. मल्टीप्लिकेशन में कभी भी रेसिप्रोकल यूज में नहीं लिया जाता. ठीक है इसी तरीके से वन मोर क्वेश्चन 6/5 डिवाइड में भी आप देखोगे कि रेसिप्रोकल यूज में लेते हैं 6/5/4 4 इज अ होल नंबर तो 6/5 डिवाइड 4 के नीचे 1 मान लेंगे रेसिप्रोकल करेंगे
रेसिप्रोकल ऑफ 4/1 कन्वर्ट किसमें हो जाएगा 1/4 में, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ऑफ 4/1 इज इक्वल टू 1/2, तो 6/5 डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4। अब अगर देखिए वैल्यू कट रही है 6 और 4, 2 2 4, 2 3 6। मैंने आपको बताया था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम टेबल से कटते हैं, तो 4 और 6 को भी हमने सेम टेबल से काटा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर इज 3/10। ओके, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2। ये पूरी इसी तरीके से सॉल्व होगी, पूरी डिवाइड का केस है और हमें इसमें रेसिप्रोकल भी करना है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व। ए इज डिवाइड 1/2 बाय 4। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको बताया, डिवाइड करेंगे 1/2 बाय किसमें कन्वर्ट होगा, डिवाइड में 4, 4 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, रेसिप्रोकल करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ 4/1 इज इक्वल टू 1/4। ओके, सो 1/2 डिवाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, एंड किसमें होगा 1/4, कोई भी वैल्यू नहीं कटती, तो 1 बन जा 1 एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ओके, आंसर इज 1/8। क्लियर है सबको? इसी तरीके से हम बी भी करेंगे। ओके, बी क्वेश्चन इज डिवाइड 2/3 बाय 3, ठीक है, इसके संग क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। डिवाइड 2/3 बाय 3, ठीक है, तो 2/3 जो है बाय किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में, और 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे यहाँ पे, रेसिप्रोकल ऑफ 3/1 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, अब कोई भी नहीं कटता आप इसमें वैल्यू, तो 2 बन जा 2 एंड 3 3 जा 9, दिस इज आंसर। ओके, तो रेसिप्रोकल किस तरह डिवाइड कैसे किया जाता है सबको समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 इज इवेलुएट द फॉलोइंग। हमें क्या करना होगा, वही सेम बाय, इधर तो क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको बाय लिखा हुआ था, तो हम डिवाइड का साइन लगा के करते थे, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इवेलुएट द फॉलोइंग दिया हुआ है और डिवाइड का साइन भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ए मिक्स फ्रैक्शन है, तो अगर हम सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 2 1 1/2, ओके, तो मिक्स फ्रैक्शन है तो सबसे पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, इम्प्रॉपर में, तो होल नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4, तो 2 8 जा 16 प्लस 4 20/8। ओके, नेक्स्ट मिक्स फ्रैक्शन 2 into 2 plus 1, डिनोमिनेटर में 2 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ये तो हमने कर ही रखा है। अब यहाँ से डिवाइड किसके बीच में होगा, 20/8 और 5/2 के बीच में, 20/8 divided by 5/2। अब 5/2 दे रखा है तो रेसिप्रोकल करेंगे, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ
फाइव बाय टू, ठीक है। तो फाइव बाय टू का अपोजिट क्या हो जाएगा, टू बाय फाइव। तो ट्वेंटी बाय एट डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा टू बाय फाइव, क्या कट रहा है, फाइव बन जा फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी, टू बन जा टू, टू फोर जा एट। तो आप देख रहे हो फोर न्यूमरेटर में फोर मल्टीप्लाई बाय वन, डिनोमिनेटर ऑल्सो फोर मल्टीप्लाई बाय वन, फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर। तो ये फोर बाय फोर लिखो, या फोर बाय फोर किसके इक्वल है, वन के, क्योंकि दोनों को कट करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या आएगा, वन ही आएगा। ओके, सी थ्री वन बाय फाइव, थ्री वन बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव बाय थ्री। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है तो थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस वन। ओके, इसको थ्री फाइव का फिफ्टीन प्लस वन सिक्सटीन बाय फाइव। फिर उसके बाद फाइव बाय थ्री तो फ्रैक्शन में ही है तो हमें इसको कुछ भी नहीं करना, तो सिक्सटीन बाय फाइव डिवाइडेड बाय फाइव बाय थ्री, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल ऑफ फाइव बाय थ्री इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव, अपोजिट हो गया ये, तो सिक्सटीन बाय फाइव डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा थ्री बाय फाइव। अब आप देखोगे किसी भी टेबल से नहीं कट रहा, तो सिक्सटीन थ्री जा फोर्टी एट और फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। ये तो हमारे पास इम्प्रॉपर में आया है, इसको हम मिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, 25 टू जा तो आप या तो डिवाइड करके देख लीजिए या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 25 में से 25, 48 में से 25 माइनस होंगे तो 8 में से 5 गए 3, 4 में से 2 गए 2 और डिनोमिनेटर एज इट इज। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे निकाला हमने ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया। देखिए आप अपने रफ वर्क पे, आप अपने राइटिंग टेस्ट पे रफ वर्क बनाएंगे, 48 में 25 का डिवाइड करेंगे, 25 में 25, 25 टू जा 50, वन टाइम जाएगा, 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 2 2। तब आप देखोगे जो डिवीजर है वो तो एज इट इज डिनोमिनेटर में आ जाएगा, क्वेश्चन 1 और रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टू ऑल्सो कम्प्लीटेड। नेक्स्ट अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, इसी का ही दे रखा है क्वेश्चन नंबर थ्री। एट चिल्ड्रन शेयर फोर बाय फाइव लीटर ऑफ फ्रूट जूस इक्वली, ठीक है। एट चिल्ड्रन में फोर बाय फाइव लीटर जूस इक्वली डिवाइड करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फ्रूट जूस डस ईच चाइल्ड गेट। तो हर एक चाइल्ड को जितना जूस मिलेगा उसका फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो हमें टोटल जूस दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, टोटल जूस कितना हुआ, फोर बाय फाइव लीटर। ओके, एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन एट, देखिए हमें एट चिल्ड्रन के बीच में डिवाइड करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा पहले, आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि कौन सी फ्रैक्शन वैल्यू पहले आएगी या पहले होल नंबर आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यदि रेसिप्रोकल आप उसी को करोगे जो राइट हैंड साइड में वैल्यू लिखी होती है, ठीक है ना, और राइट हैंड साइड पे जो नंबर आप लिखेंगे उसी को ही आप रेसिप्रोकल करोगे, क्लियर है।
नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हो गए 8 और टोटल जूस कितना हो गया 4/5 लीटर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 4/5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, किसमें डिवाइड करना है 8 जो चिल्ड्रंस है उसमें डिवाइड करना है। तो अब क्या करेंगे 8 के नीचे 1 मान लेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ 8/1 इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, तो 4/5 डिवाइड मल्टीप्लाई में एंड 1/8, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, तो 1 × 1 = 5 × 2, तो 1/10 लीटर यह आपका आंसर होगा। तो क्या लिखोगे ईच चाइल्ड गेट जूस 1/10 लीटर। ठीक है, क्लियर है? यहां तो किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ मेनी पैकेट ईच वेटिंग 1/3 केजी कैन बी मेड फ्रॉम 15 केजी ऑफ सीड्स। मतलब ये कह रहे हैं स्टार्टिंग में इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि ऐसे कितने पैकेट्स होंगे यदि हर एक पैकेट का वेट 1/3 केजी होता है, तो यदि टोटल वेट आपको 15 केजी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल वेट कितना दे रखा है 15 केजी और हर एक पैकेट का वेट कितना दिया हुआ है 1/3। अब आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि अगर यदि दोनों यूनिट सेम दे रखी हो तब भी हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3 केजी आ रहा है और टोटल जो वेट है सीट का वो भी कितना है 15 केजी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, टोटल वेट ऑफ स्वीट 15 केजी। ओके, एंड ईच पैकेट ऑफ वेट वेट इज इक्वल टू 1/3 केजी। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ पैकेट्स निकालना है। तो नंबर ऑफ पैकेट्स के लिए क्या करेंगे 1/3 डिवाइडेड बाय 15। अब आप ये देखिए कि 15 यदि आप करते हैं पहले क्या आ जाएगा 15 का पार्ट है ना 1/3, तो 15 डिवाइडेड बाय 1/3 क्योंकि 15 का पार्ट कितना हुआ 1/3। ओके, तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल करेंगे इसका प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा ओनली 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती। 15 × 3 तो 15 × 3 = 45। तो नंबर ऑफ पैकेट्स कितने हो गए हमारे पास, नंबर ऑफ पैकेट्स इज इक्वल टू 45। क्लियर है सबको? ओके, तो लास्ट क्वेश्चन इज है क्वेश्चन नंबर 5, द पेरिमीटर ऑफ अ स्क्वायर बोर्ड इज 8/7 मीटर। एक स्क्वायर शेप का पेरिमीटर का स्क्वायर शेप का आपके पास स्क्वायर बोर्ड है जिसका पेरिमीटर दे रखा है 8/7 मीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द बोर्ड। तो बोर्ड की मतलब उस स्क्वायर बोर्ड की लेंथ कितनी होगी। ठीक है,